अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। देख सकते हैं टाटा एसी है, मेगा एक्सल है। इसमें कस्टमर का कंप्लेन है कि गाड़ी रेस नहीं होती है, और जब रेस पकड़ती है तो फर्स्ट क्लास गाड़ी चलती है। तो इसमें देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले स्टार्ट करके देखते हैं। डिस्प्ले में देखेंगे लाइट तो सब आ रहा है जैसा आना चाहिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा, सिर्फ चेक लाइट जल के इसके अंदर रह रहा है। ठीक है, और देखते हैं स्टार्ट करके। गाड़ी स्टार्ट कर दिया, देख सकते हैं इंजन का आवाज़ भी आ रहा है। ठीक है, गाड़ी रेस करेंगे तो ये स्टेटर पैडल दबा के रख रहा हूँ, पर जो रेस गाड़ी नहीं पकड़ रही है बिल्कुल नहीं। यही कंप्लेन है कस्टमर का। और ये तो ब्रेक स्विच का क्लच स्विच का वायर है, निकला हुआ था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी गाड़ी रेस नहीं पकड़ रही है। देख सकते हैं दबा के रखा हूँ पर रेस नहीं पकड़ रहा है। तो कस्टमर से पूछेंगे कि ये तकलीफ़ कब से और कैसा चल रहा है। ठीक है, गाड़ी चालू है, देख सकते हैं रेस कर रहा हूँ मगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बस जरा उस्ताद आओ सीट पे और इनसे पूछते हैं गाड़ी में तकलीफ कब से है। तो ये गाड़ी में तकलीफ कब से हो रहा है? ये साल हो गया इनको। साल भर? हाँ, साल भर हो गया। अच्छा, तो कैसे क्या दिक्कत, क्या काम कराए थे? इसका लैपटॉप भी लगाया था मैंने, हाँ, चार बार लगाया, तो भी नहीं हो रहा था उसका। अच्छा, तो धक्का स्टार्ट मारेगा तो चालू हो जाता है गाड़ी। हाँ, अच्छा, होने के बाद रेस पकड़ते नहीं, ठंडा होगा तो रेस नहीं पकड़ता है, नहीं पकड़ते। अच्छा, तो उसके बाद में कैसे क्या इधर मेरे पास कैसे आ गए? वो धक्का मार के मैं चालू हो गया, वो बाद में रेस पकड़ लिया, तो मैं इधर आ गया, मंडी पहुंच गया। अच्छा अच्छा, तो ये तकलीफ ज्यादा दिन से चल रहा है? मतलब साल भर से तकलीफ हो रही है। साल भर से चला रहे हो? साल भर से चला रही है ऐसा ही। तो इधर मेरे को कैसा जाने की, मैं इधर करता हूँ करके? वो आपका उधर भिवंडी में मालूम पड़ा, राजेश है उधर, वहाँ पे जाना कामन में। ऐसा ऐसा, तो मैं यहाँ पे पहुँचे। अच्छा अच्छा, चलेगा, देखते। तो ड्राइवर साहब की तकलीफ देख ली, और सबसे बड़ी बात, आ जाओ बाहर आ जाओ आप। और साल भर से बोले तो बेचारे बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा झेल रहे, साल भर बोले तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और गाड़ी में बीमारी देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा बीमारी है। और लैपटॉप भी लगवा चुके दो तीन बार, कितना, दो तीन बार लगा रहेगा ना। तो स्टार्ट करेंगे वापस गाड़ी को। गाड़ी स्टार्ट हो गई अपनी, और देख सकते हैं एक्सीलेटर फुल दबाया हूँ, फिर भी रेस नहीं पकड़ रहा है। और इसको निकालता हूँ, इसको निकालने पे तो थोड़ा हल्का सा रेस बढ़ता ही है, कोई भी गाड़ी के एक्सीलेटर वायर को निकालेंगे तो, देख सकते हैं। और ये भी एकदम क्लीन है, कुछ भी ऐसा इसके अंदर गंदगी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई हो सकता है, और इसको इनका कहना था कि मैं ऐसा वायर ऊपर नीचे करूँगा तो मतलब ये रेस पकड़ लेती है, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, अब ये वायर निकला हुआ, रेस तो रहता ही रहता है। अब ये लगा देते हैं, और पैडल भी इनका कहना है कि पैडल भी बदली करके देखा था। ठीक है, और रेस नहीं पकड़ रहा है, इसका डीजल लाइन भी ओके है। तो इसका फ्यूज भी मैंने चेक किया, फ्यूज भी ओके है। ठीक है, देख सकते हैं रेस बिल्कुल नहीं पकड़ रहा है। तो इसका देखते हैं सबसे पहले अपना हाई प्रेशर पंप का, कितना डीजल आ रहा है, कैसा क्या आ रहा है। बने रहें एंड तक, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इधर का पहले हाई प्रेशर का डीजल चेक करेंगे, क्या प्रेशर है इसमें। तो ये जो हाई प्रेशर पंप है, इससे भी प्रॉब्लम आता है, इसका जो रोलर रहता है ना, रोलर लूज कॉन्टैक्ट, मतलब अंदर रोलर में प्ले आ जाएगा तो भी गाड़ी दिक्कत करती है। तो सबसे पहले इसका डीजल का प्रेशर चेक करेंगे कि प्रेशर कितना आ रहा है। और इसमें इसका जो पाइप है अपना पानी वाला, ये जो है पूरा लीकेज है, और फिर भी जो है इसको ऐसे ही चला रहे, ऐसा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लीकेज रहेगा तो गाड़ी एयर बनाएगी तो गाड़ी का टेम्परेचर हैवी हो जाएगा, फिर इंजन ठंडा नहीं कर पाएगा सही से। और इसका फ़ैन भी ऑटोमेटिक ही रहना चाहिए, डायरेक्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक रहता है तो अच्छा रहता है।
अभी इसका देख लेते हैं डीजल का प्रेशर कितना आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो चेक करने का तरीका यही है कि इसको इसे हाथ से दबा के रखना है और देखते हैं इस पर अपना डीजल फेंक रहा है कि नहीं। बराबर है, मारो सेल जरा। तो ऐसा मारना चाहिए, बस बस रहें, तो ऐसा प्रेशर मारना चाहिए, मतलब अपने अंगूठा जो है रुकना नहीं चाहिए। तो समझेंगे हमारा हाई प्रेशर पंप भी बराबर है और जो हमारा मोटर से जो डीजल आ रहा है उसका भी प्रेशर बराबर है। ठीक है, तो इसको फिटिंग करके लेते हैं। लाइन तो यहाँ का डीजल का लाइन क्लियर दिख रहा है और इनका कहना था कि मतलब गाड़ी जब गर्म होती तो रेस पकड़ लेती, फिर चलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको लगा के लेते हैं। तो ये भी अपना टाइट करके क्लियर हो चुका है। अब गाड़ी स्टार्ट करवाते हैं। स्टार्ट करो गाड़ी ज़रा और देखते हैं रेस पकड़ता है कि नहीं। रेस करो, एक्सीलेटर दबाओ, छोड़ो एक्सीलेटर, दबाओ, दबा के रखो। तो देख सकते हैं रेस एक्सीलेटर दबा के रखा है, फिर भी गाड़ी का इंजन जो है सिर्फ कांप रहा है, रेस नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, और वायरिंग भी मेरे हिसाब से सही दिखा रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ बॉक्स लाइट आ रहा है, चेक लाइट लिख के नहीं आ रहा है। ठीक है, चेक लाइट जो लिख के आता है वो इंजन रिलेटेड से आता है और इंजन रिलेटेड में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है इसके अंदर। चेक लाइट बॉक्स लाइट इसलिए आ रहा है कि जैसे भी कोई सेंसर का वायर कहीं निकला रहता है या कहीं मतलब कोई लाइन डैमेज है, वायर टूटा रहता है, जब भी बॉक्स लाइट आता है चेक लाइट लिख के आएगा तो इंजन में कहीं पे प्रॉब्लम है, जब भी चेक लाइट आएगा। और इसका थोड़ा बहुत ऑयल भी लीकेज है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो होता ही है पर कैसा है कि टाइफल टूबल कवर मैकेनिक लोग खोलते हैं तो सही से टाइट उठ नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, और इसका फ्यूज इसलिए मैंने चेक किया कि सारा चीज़ ओके दिखा रहा है तो इसको क्या देखूँ। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं रेस दबा रहे, रेस दबा के रखा है बंदे ने मगर फिर भी रेस नहीं पकड़ रहा है। तो अभी ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ देख सकते हैं, ये जो सेंसर है इसका वायर निकाल कर देखना है मुझे, क्योंकि इसमें भी अगर गंदगी आ जाएगा, कचरा आ जाएगा तो भी गाड़ी को रेस सही से होने नहीं देता है। ठीक है, तो इसको निकाल के देखते हैं पहले। ठीक है, इसको निकाल के देखते हैं फिर क्या दिक्कत है, क्योंकि इसमें जब गस्ट आ जाएगा ना तो ये बराबर रेस होने नहीं देता गाड़ी को, ऐसा है। इसको देखो निकाला मैंने और गाड़ी रेस पकड़ लिया। ठीक है, तो रेस भी फर्स्ट क्लास हो रही है। अभी इसी को वापस मैं लगा के रखता हूँ, पहले दबा के रखो रेस। हाँ, ऐसा दबा के रखो, इसको अब लगा के देखते हैं। इसको अब लगा दिया तो रेस भी अभी भी हो रहा है, क्योंकि गर्म होने पे रेस पकड़ लेता था, इनका कहना ये था। रेस छोड़ो जरा, हाँ रेस दबाओ भी, तो देख सकते भी नहीं पकड़ रहा है। बहुत बारीकी बीमारी है पर उस पर कैसा आदमी का ध्यान नहीं जाता है। रेस दबाए हो गया, छोड़ो रेस, वापस दबाओ, दबा के रखो। तो देखो अभी नहीं रेस पकड़ रहा, अभी इसको मैं निकालता हूँ। इसको निकाल लिया और रेस पकड़ लिया गाड़ी। बहुत बारीकी बीमारी है तो इसको खोल के देखते हैं ये ख़राब है क्या, इसमें गंदगी आ गया, गंदगी आने से ही ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो बने रहें एंड तक, और कहाँ से आप बताइए, चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे तक पहुँचे तो उनको जानकारी मिले। बंद कर दो गाड़ी को, फटाफट खोल के क्लीन करते हैं इसको। तो देख सकते हैं सब मैं लूज करके लिया हूँ क्योंकि ये पूरा एयर फिल्टर बाहर निकालना पड़ रहा है, सब पाइपलाइन पकड़ो जरा, फिर इसके बाद देखेंगे इसमें गंदगी है कि क्या है, इसको भी निकाल के लेते हैं। निकालो जरा, तो देख सकते हैं ये सब निकाल लिया हूँ खोल के और इसमें देखेंगे गंदगी है ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो इसको साफ करेंगे अच्छे से। इसमें क्या कचरा जाता है तो भी ये सेंसर जो बराबर काम नहीं करता है, इसको अच्छे से साफ करके लेंगे और पेट्रोल से अच्छे से धोधा के फिर फिटिंग करके देखेंगे क्या रिजल्ट दे रहा है ये सेंसर।
इसको एयर मार्क सेंसर कहते हैं। ठीक है, ये अगर सेंसर ख़राब हो जाता है तो इसमें काफ़ी दिक्कत होता है, गाड़ी ब्लैक धुआं भी मारेगा और गाड़ी मिस फायर भी करेगी, गाड़ी झटका भी मारेगी, गाड़ी चालू भी नहीं होगा इससे अगर ये ख़राब हो गया तो। ऐसा रहता है, ये 5 वायर का है, कोई 6 वायर का भी आता है, कोई 4 वायर का भी आता है इसमें, ऐसा है। तो इसको फटाफट क्लीन करके लेते हैं, तो देख सकते हो इसको साफ करके ले लिया हूँ, अभी देखेंगे फिटिंग करके। इसका नाम है मास एयर फॉलो सेंसर। ठीक है, अगर ये सेंसर ख़राब हो जाता है तो पूरा सेट डालना पड़ता है, क्योंकि सोचेंगे आप उनकी यहाँ से खाली मिल जाए तो नहीं, ये पूरा सेट ही लगेगा। अभी क्लीन किया हूँ, थोड़ा पेट्रोल सूखा नहीं है, फिर कपड़े से पोंछ के फिर देखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं अभी अपना सब फिटिंग करके हो चुका है। ठीक है, और ये भी वायर लगा के लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा डैमेज है इसको तो कर लेंगे, लगा हुआ है फिर भी। ठीक है, और इसको लगा के पहले देखते हैं क्या रिजल्ट दे रहा है, थोड़ा इसको हल्का सा स्प्रे भी मार लेते हैं सॉकेट में, अब देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। करते हैं स्टार्ट गाड़ी को, तो देख सकते हैं चेक लाइट सिर्फ जल रहा है, बॉक्स लाइट। करेंगे स्टार्ट, गाड़ी फिर भी फड़फड़ा रही है, टनटन आ रही है, टनटनाहट का मतलब है गाड़ी में सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम। ठीक है, तो सेंसर डालना ही पड़ेगा नया, क्योंकि स्टार्टिंग जैसे किया ना तो इंजन की ऊपर थोड़ा अलग ही टनटनाहट की आवाज़ थी। ठीक है, ओ वायर निकालो ज़रा, तो ये वायर निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं रेस करके। देख सकते हैं रेस हुआ गाड़ी, तो सेंसर जो है नया डालना पड़ेगा अपने को, और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेंसर कैसा यहाँ पे मिलेगा नहीं अपने को, सेंसर मंगाना पड़ेगा, कस्टमर को देंगे कॉल करके लाने के लिए। वापस बंद करते हैं गाड़ी, वापस चेक करेंगे स्टार्ट करके। अभी मारेंगे स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो गई, रेस किया गाड़ी, थोड़ा सा टाइम ले रहा है रेस लेने में, तो देखेंगे अभी रेस पकड़ लिया। वो जब सेंसर ख़राब रहेगा तो यही बीमारी होती है, गाड़ी रेस नहीं होगा, गाड़ी ऐसा मिसिंग रहेगा थोड़ा सा इंजन में, काला धुआं ब्लैक मार ही रहा, देखो ब्लैक धुआं ही मार रहा है। इसके लिए ब्लैक मार रहा है, सर अपने को नया डालना पड़ेगा, देखते हैं बने रहे एंड तक।